आर्मर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माइनक्राफ्ट पीपी। पीपी के बीच में अगर आर्मर टूट भी जाए तो उस फाइट को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा अगर मैं बिना आर्मर के एक लाइव स्ट्रीम पब्लिक सर्वर में खेलूंगा जहाँ पे खेलते 500 से भी ज्यादा प्लेयर्स, और मुझे करना है इस एसएमबी को टेक ओवर वो भी 24 घंटे के अंदर। ये तो काफी ज्यादा ईजी है ना। वेल, इस सर्वर में मैं पहले भी खेल रखा हूँ तो ऑलरेडी इसमें मेरे पास 1 बिलियन मनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है मेरे को इस वीडियो में। अभी मेरी आधी अंडर चेस्ट ब्रेड से भरी पड़ी है जो कि मैंने गलती से बाय कर लिए थे, बट अभी हम लोग के पास जो 1 मिलियन मनी है उससे हम कुछ सामान खरीद लेते हैं जो कि हमें आगे सर्वाइव करने के लिए काम आएगा। क्योंकि इस पब्लिक सर्वर में लगा हुआ है लाइफ स्टील का प्लग इन जहाँ पे आप किसी भी बंदे को मारोगे तो उसका एक हार्ट तुम्हें मिल जाएगा, और ऐसे ही अगर तुम सारे हार्ट लॉस कर देते हो तो तुम्हें मिल जाएगा बैन 24 आवर्स के लिए। वेल, उसके बाद मैं लग जाता हूँ ग्राइंडिंग पे क्योंकि इस वीडियो में मेरे कुछ गोल्स, जैसे कि मेरे को इस वीडियो के एंड तक में ऑब्टेन करना है नेदरराइट का आर्मर और नेदरराइट के टूल्स और सर्वर के मैक्स हार्ट भी करने हैं, बट इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। और हार्ट्स के लिए हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि इजीली इस सर्वर में हार्ट्स लेना बहुत ज्यादा हार्ड है। वेल, मैं सोच ही रहा था तभी मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है, लेट मी एक्सप्लेन। इस सर्वर में एक स्पेशल कमांड है TPA जिससे हम किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिसके बाद वो उसको डिलाई या एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद वो हमारे पास TP हो जाएगा एंड उसके बाद हम उसे मार भी सकते हैं। तो चीज का यूज करके हम बनाने वाले हैं एक टावर जहाँ पे हम किसी बंदे को TP करेंगे एंड फिर उसको वहाँ से नीचे गिरा देंगे जिससे वो मर जाएगा और हमें उसका सामान और हार्ट मिल जाएगा। तो फिर मैं लग जाता हूँ टावर बनाने के लिए और फिर मैं चैट में लिखने लगता हूँ, और ये मैं बहुत टाइम तक लिखता हूँ तब जाके कोई मेरे को TP भेजता है एंड फिर मैं TP एक्सेप्ट करता हूँ। और जब मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये प्लान तो बहुत ज्यादा गंदी तरीके से फेल हो गया, जैसा मैंने सोचा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड फिर मैंने ट्राई किया नॉर्मल सा ऑब्सीडियन ट्रैप। ओके, ये तो मिल गया, ट्रैप तो मिल गया अपने को, अब बस यहाँ पे बंदे को TP कराना है। एंड या ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था तो फिर मैं इसी को रिपीट करने लग जाता हूँ। वेल, यहाँ पे मेरा गेम अटकने के कारण मैं मर जाता हूँ और फिर मुझे याद आता है मैं तो हार्ट्स खरीद भी सकता हूँ। तो फिर मैं हार्ट्स खरीद लेता हूँ और फिर उनको लगा लेता हूँ। फिर मेरे पास टोटल 20 हार्ट्स हो जाते हैं लेकिन मेरे पास मनी ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो अब मुझे हार्ट्स के साथ मनी भी ग्राइंड करना था क्योंकि आगे सर्वाइव करने के लिए मनी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मनी ग्राइंड करने के लिए मेरे को ग्राइंड करना पड़ेगा शुगर केन क्योंकि इस सर्वर में सबसे ज्यादा महंगा वही बिकता है। लेकिन अभी भी मेरे मैक्स हार्ट्स हुए नहीं, अभी भी मेरे 10 हार्ट्स कम है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। वेल, यहाँ पे मैं बोर हो रहा था तो मैंने अपने दोस्त को भी बुला लिया और अब वो भी मेरे साथ करेगा TP के लिए। आया आया, ओए आयरन, ओ शिट, मैं नीचे गिर गया। टोटम है इस पे, मारना। अबे बाहर निकलने दे मेरे को। ओए, तूने मेरे को पेल दिया, कोई बात नहीं, उसको पेल पहले। मेरे पे शील्ड भी नहीं, से लड़ भी सकता हूँ, लड़ लूँ क्या? फोन नहीं तो क्या? मेरे को एक सोर्ड दे सकता है, मैं भी यहीं पे हूँ। पीछे हो, पीछे 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 पीछे, सोर्ड दे। ड्रॉप कर। चल 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 चल, उनके पीछे चल। मार। एक नीचे भी है ना ब्रदर। अबे भाग गया, गया कुछ मिला मेरा? अरे सोर्ड है मेरी तेरे पास, शील्ड भी है। अरे ज़ॉम्बी, भाग, वापस आया। मार दिया सच्ची में। टोटम जीसस गाइस, ये ले सील दे। क्या पता वो फिर से TP एक किया उसने। मार। ये भाई तूने क्यों मारा? इस बारी मेरे को मारना था। चल कोई ना, ये ले आर्मर ले इसका। अरे पहले से मार, अब अगर आता है ना तो मेरे को मारने देना, तू पीछे ही रही हो। हाँ वही ना। अरे आया। मिला हार्ट मिला। भाई पर बंदा मस्त था भाई, कितने हार्ट, 3 हार्ट दे के गया बंदा, इतना दयालु कोई होता है क्या? आया वो क्रिस्टल लेके आया। अबे मार उसको ब्रदर, व्हाट इज दिस भाई, वो क्रिस्टल लेके आया। खैर मेरी बात तो अलग है, मेरे पास तो टोटम है, तू भी शील्ड यूज कर ले। शील्ड है ना तेरे पे? अरे तेरे पे शील्ड तो है भाई। मार, बचना नहीं चाहिए। ओ ये
एंड उसके बाद मैं करने लगता हूँ शुगर कैन की ग्राइंडिंग, जिससे मैं एंडरपल्स और टोटम बाय करूंगा जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद मेरे सारे चीजें ग्राइंड हो जाती हैं। एंड अभी बस मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं नेदरराइट आर्मर वाले बंदे को मारूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। एंड मैं आइडिया ढूंढने के लिए चला जाता हूँ यूट्यूब पे, एंड बहुत सारी स्क्रोलिंग करने के बाद भी मुझे कोई आइडिया नहीं मिलता, तो मैं चला जाता हूँ खाना खाने के लिए अपने पीसी को AFK छोड़ के। अबे क्या, ए बॉय, ए साले नेदरराइट वाला बंदा, कॉम्बैट में आ गया हूँ मैं। ओ शिट शिट शिट, ओ भाई, ओ खाना खाना खाना, शिट इसको कैसे मारूंगा मैं, क्रिस्टल है मेरे पास, क्रिस्टल है। ओ शिट शिट शिट, टोटम गया मेरा, ओह गया 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 गया, इसको मेरे को लगता है क्रिस्टल ही करना पड़ेगा। खैर क्रिस्टल मेरे को इतने अच्छे से आते तो नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। आगे आगे, ओह शिट, इसका इसका टोटम पॉप हो गया, कर सकता हूँ मैं शायद इसको क्रिस्टल। चिट चिट, कहाँ गया, ओह अरे अरे, इसको अगर मैंने मार दिया तो मेरे पास ऑलमोस्ट, ओह जी जी गाइस मर गया। ओ भाई वैसे मेरा टारगेट तो कंप्लीट हो गया है, इस असेंबली को टेक ओवर करना, मैंने बिना आर्मर के एक नेदरराइट आर्मर वाले बंदे को मार दिया है भाई।